नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है पहलवानों का धरना जो है लगातार चल रहा है। हमारे साथ हैं कैप्टन मोहन लाल जी, मोहन लाल राजस्थान के झुंझुनू से यहाँ आए हैं और बेटियों की कहीं ना कहीं समर्थन में आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार इनका धरना जो है चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो नहीं रही है, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? आज मैं सबसे अच्छा दिन समझता हूँ। मैं घूमेर आया था यहाँ के ऊपर। आज जिस तरह से जवानों का समझौता हुआ है, किसानों का समझौता है, पहलवानों का, आज यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है, जवान किसान और मजदूर मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज जो जिस तरह से बेटियों के साथ हो रहा, देश के सम्मान का जब अपमान होगा तो फिर क्या देश का होगा। इसलिए सभी ने, आज किसानों ने भी, जवानों ने, मजदूरों ने और पहलवानों ने मिलकर यह तय किया है कि हमारी ये लड़ाई लड़ेंगे, उसको जेल में जाना पड़ेगा और उसको ऐसी सजा मिले ताकि आने वाले भारत के अंदर मैसेज है, आइंदा कोई व्यक्ति इस तरह का कुक्रम ना कर सके। इसलिए सभी ने मिलकर तय किया है और हम बता देना चाहते हैं सत्ता में बैठे लोगों को, शासन और प्रशासन को, आम जनता को कि इस तरह के देश के अंदर जो चल रहा है उसको हर हालत में मेटना होगा। कानून ऐसा बने कि लोग पैसे पीछे की तरफ से हर आदमी, हर अपने बहन भाई, हर बेटी को बेटी समझे, माँ समझे, बहन समझे, परिवार समझे, चले। इसके लिए हमें कानून भी बनाना पड़ेगा। अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी तो आप छोटे मीडिया वाले और जो जंतर मंत्र में भीड़ है सब मिलकर सोच रहे हैं कि अगर सरकार इसे कानून नहीं करेगी तो जनता ऐसा कानून करेगी। चाहिंदा सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सरकार भी सोचेगी कि इस तरह से गुंडों को हम कब तक साथ देंगे। अगर इन गुंडों को हम साथ देते रहे, गुंडों की कोई जाति नहीं होती, पार्टी नहीं होती। सरकार को चाहिए, भले ही वोट जाते हैं, वोट जुड़ेंगे, ऐसे लोगों को फटाफट सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को जब ऐसे पहलवानों के साथ मिलती होगा, बाकी आदमी क्या कर सकता है। आज हमने पूरे बताते हैं, अभी तो जांच चल रही है ना, अभी जांच में जो भी होगा, अगर वो दोषी करार पाए जाते हैं तो वो खुद कह रहे हैं हम स्वयं अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। हम तो पिछले कुछ समय से देख रहे हैं जांच के नाम पे पर्दा डाल दिया जाता है, कहीं कोई जांच नहीं होती है, ना जांच हुई है, ना जांच की आशा कर सकते हैं। इसलिए सतपाल मलिक ने कहा था किसान, जवान, मजदूर, पहलवान मिलकर के अब अपना कानून बनाना पड़ेगा, अपने रास्ते से चलना पड़ेगा। देश हमारा है, देश को सुधारेंगे। मीडिया वाले आप लोग साथ दें, हम हर हाल में इस देश को सुधार के छोड़ेंगे। आज तय हो गया है कि सतपाल मलिक ने जो कहा था हो गया, जवान किसान मजदूर आज आप देख रहे हैं, हमने सब ने मिलकर तय कर लिया है, सबके सब मिलकर के ये लड़ाई को लड़ेंगे। अभी आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा आंदोलन? जब तक फैसला नहीं हो जाता, या तो सरकार फैसला करेगी नहीं, जनता फैसला करेगी, या तो सरकार कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? आज किस पे भरोसा किया जाए? कोर्ट सब आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोर्ट को सरकार चला रही है, मीडिया को सरकार चला रही है, प्रशासन को फंसा। मैं क्लियर बोल देना चाहता हूँ, पुलिस की कहीं कोई गलती नहीं है, कोर्ट की कहीं कोई गलती नहीं है, सबका सब संतशीलता है। जो सत्ता चाहती होती है, और सत्ता को गुंडे और पैसे चाहिए। अगर गुंडों और पैसों से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, कानून कहाँ है? कानून से बढ़ के है तो प्रजातंत्र में तानाशाही हो गया। कानून है नहीं ना, कोई कानून है ना कोई तानाशाही, ये कानून नहीं है, सरकार नहीं है, ना ही कोई चीज है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे चल रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में चुनाव आ रहे हैं, इसका फर्क पड़ेगा उन पे? जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, जिस दिन ईवीएम गया मोदी का पत्ता साफ है। अभी कर्नाटक की बात, वहां ईवीएम ने गड़बड़ नहीं किया, नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि जनता को बता दे कि नहीं हम तो ईवीएम गड़बड़ नहीं करते हैं, वहां जानबूझ के नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना, अगर 3 पैसा आने के लिए 1 पैसा फेंकना पड़ता है तो फेंक दो, यहाँ पे इन्होंने इसलिए नहीं किया ताकि हम आने वाले समय में हम पे कोई शक ना करे। लेकिन दुनिया जानती है, हर आदमी बच्चा बच्चा जानता है ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम भी हटेगी, मोदी भी वैसे भी ईवीएम हटे ना हटे, मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, नहीं बन, मोदी जी से तकलीफ नहीं है, मोदी जी के कामों से तकलीफ है, मोदी जी से तकलीफ नहीं है, मोदी जी बोलते कुछ और होता कुछ और है, इसलिए उनकी बातों से हमें, अगली बार मोदी प्रधानमंत्री आ ही नहीं रहा, बीजेपी की सरकार भी आएगी तो गडकरी। हम रात दिन, मैं 80 साल का हो गया, सभी आंदोलन में जाता हूँ, अन्ना के आंदोलन में गया, वीके सिंह के आंदोलन में गया, जितने आंदोलन में गया, राजनीति में जाता हूँ, बीजेपी के अंदर भी मामला चल रहा है कि भले ही गडकरी आए या कोई और आए, मोदी अगला प्रधानमंत्री नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
और आज दूसरा भी।